लोन ऋण माफी की ग्रामीणों में अफवाह फैलाकर ऋण माफी के नाम से फर्जी 200 रुपए का प्रोफार्मा फॉर्म बेचने की शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने लोक शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम कर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं 3 अन्य सहयोगी अभी फरार है जिनकी कोतवाली पुलिस तलाश कर रही है। वहीं कुछ अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी वांछित है। 14 सितंबर को कुछ लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैलाई गई थी कि प्राइवेट कंपनी से लिया गया लोन कलेक्ट्रेट कार्यालय में माफ किया जा रहा है। ये बात आग की तरह ग्रामीण क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते हजारों की संख्या में ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कुछ लोगों द्वारा ऋण माफी का फर्जी प्रोफार्मा तैयार कर ग्रामीणों को 200 रुपए में बेचा गया। जब ग्रामीणों को ये पता लगा कि कोई लोन माफ नहीं हो रहा, अफवाह फैलाकर ग्रामीणों के साथ ठगी की गई है, तो ग्रामीण भड़क गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश देकर घर वापस भेजा था। 4 नामजद सहित 14 लोगों पे मामला कायम हुआ है धोखाधड़ी का, क्या मामला है पूरा? ये दिनांक 14 तारीख को 14/9 की बात है। ये नागेंद्र नाथ जी ने जो है स्व सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस से लोन लेने वाली महिलाओं को बरगला कर और कलेक्ट्रेट कार्यालय में इकट्ठा किया था। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, साथ में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करके उनसे पैसे भी लेते हैं। इस पर हमने नागेंद्र नाथ जी और उनके 3 सहयोगी वकीलों के विरुद्ध जो है मामला पंजीबद्ध किया, अभी हमने अनुसंधान में रखा है, आगे जैसी होगा वैसी कार्रवाई करेंगे। कुल कितने लोगों पे मामला कायम हुआ है, किस धाराओं के तहत मामला कायम? हमने जो है अभी 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। अनुसंधान में हम फोटोकॉपी दुकानदारों पर भी उनकी संलिप्तता के बारे में देखेंगे कि उन पर अपराध बनता है कि नहीं बनता है, और 420 और 120 बी और कोरोना महामारी के उल्लंघन के लिए 188 वगैरह में हमने अपराध पंजीबद्ध किया।